Hi everyone, this is our first video on YouTube channel. In this channel, we will discuss what is BPED. So, the full form of BPED is Bachelor of Physical Education. अब फिजिकल एजुकेशन का बीपीएड करने के लिए हमको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है और तुमको ग्रेजुएशन चाहिए होता है, वो किसी भी स्ट्रीम में हो. ड्यूरेशन कितनी होती है? 2 साल होती है, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं. और अगर आप 12th के बात करो तो आपको 4 साल लगते हैं. सब्जेक्ट कितने? टोटल 20 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आपको कोई चूज करना होता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, देन फिजिकल टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है. कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ये हमने आपको कुछ हिंट दिया है कॉलेजेस की. वैसे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं पीपीएड के लिए, ये कुछ बता रही हूँ आपको. जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स साइंस है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है. तो यहाँ ये कुछ कॉलेज मैं बता रही हूँ आपको, वैसे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज आप और भी सर्च कर सकते हो. अब बीपीएड करने के बाद लोग सोचते हैं क्या, तो इसमें काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास. जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हो आप, अच्छे से टीचर बन सकते हो, मतलब किसी भी कॉलेज में, KBS में, NBS में. स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट मैनेजमेंट, इन सब में हम कम देखते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से मिलता है. इसमें भी स्पोर्ट जर्नलिज्म है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हो गए, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी हो गए, स्पोर्ट्स कोचिंग हो गई, स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गए, इन सब में भी आप अपना बना सकते हो अपनी अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए. फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए अब आपको जैसे मतलब लोग कहते हैं कि किस कॉलेज में बन सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास से KBS है, NBS है, TGT, PGT, BSSSB. तो KBS में केंद्रीय विद्यालय, KBS का फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय. TGT का होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, PGT का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, DSSSB का होता है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. तो ये हमने आपको कुछ हिंट दिया बीपीएड के बारे में कि होता क्या है और कैसे कैसे इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है. अब आपको कोई भी अगर डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे इस चैनल पे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो अपने चैनल पे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी आपको लग रहा हो कि हाँ मेरे जो डाउट था मेरा क्लियर हुआ है, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो. और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको KBS, NBS क्या, TGT, PGT के लिए कैसे तैयारी करनी है, आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब आपको बताऊंगी कैसे क्या करने हैं. ओके, थैंक यू. सो शेयर माय चैनल.